इसके अलावा भारत बायोटेक की वैक्सीन ने अपने दो फेज पूरे कर लिए हैं और तीसरे फेज का ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। हैदराबाद की भारत बायोटेक लैब से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी लोगों को इंतजार है तो सिर्फ वैक्सीन का। दुनिया के कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और कुछ देश दिसंबर तक वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं तो कुछ देश जनवरी फरवरी तक वैक्सीन बाजार में ले आने का दावा कर रहे हैं। ये दवाइयां जब विदेश से आएंगी तो काफी महंगी होंगी, लेकिन भारत में जो भी वैक्सीन बन रही है वो काफी सस्ती है, जो आम लोगों की जेब में आसानी से आ जाएगी। देश में भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल के दो फेज पूरे कर लिए हैं। दोनों फेज सफल रहे हैं। अब भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन का तीसरा और आखिरी चरण का ट्रायल कर रही है। उनके अनुसार ये ट्रायल जनवरी महीने तक चलेगा। उसके बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन पर मुहर लग जाएगी, फिर उसे बाजार में उतारा जाएगा। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ नजरें उठा के देख रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ कोरोना वैक्सीन बनाने में बहुत आगे जा रहा है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने तो कोरोना वैक्सीन के दो जो रिसर्च थे, दो जो स्टेप थे वो पूरे कर लिया है। तीसरे स्टेप के अंदर इसका रिसर्च चल रहा है। हो सकता है कि अनकरीब वो आम जनता के लिए 3,000 ऐसे वैक्सीन जो आम जनता के लिए देगा, उसके बाद वो केंद्र सरकार की अनुमति के साथ ही आम जनता के लिए इस वैक्सीन को लाने का भी दावा किया है। हैदराबाद के तुरकपल्ली वाले इलाके में भारत बायोटेक कंपनी रहा करती है। इसी बोर्ड के पीछे भारत बायोटेक कंपनी का रिसर्च चल रहा है, मगर भारत कंपनी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि TCNG AMCR की अनुमति आने के बाद ये आम जनता में इस दवाई को लाया जाएगा। ये तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ आज ने PM एक मीटिंग में बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल या 2-3 महीने के अंदर इस दवाई का पूरी तरह आम जनता में आने का भी अंदेशा है। हैदराबाद से कैमरामैन विश्वरूप के साथ नूर मोहम्मद, TV9 भारतवर्ष। और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों में लगे नए ICU बेड्स के लिए 1200 BiPAP मशीन खरीदने का आदेश दिया है। BiPAP मशीन कोरोना पेशेंट के लिए जीवन रक्षक मानी जाती है। नवंबर के 23 दिनों में 2000 लोगों की कोरोना से मौत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 5,43,317 मामले सामने आने और 8,512 लोगों की जान जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने नए ICU बेड्स के लिए तत्काल 1200 BiPAP मशीनें खरीदने का आदेश दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना मरीजों की जान बचाने में BiPAP मशीन बेहद कारगर है। BiPAP मशीन फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के इलाज में जरूरी है। BiPAP मशीन सांस लेने की तकलीफ को दूर करती है। ऑक्सीजन पहुंचने में रुकावट होने पर फेफड़ों में एयर पहुंचाती है। BiPAP मशीन दो तरह से प्रेशर डालकर फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। फेफड़ों के सामान्य हिस्से में प्रेशर को कंट्रोल भी करती है। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर मरीजों की जान भी बचाती है। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के लंग्स पर अटैक करता है। वायरस से फेफड़ा बहुत तेजी से खराब होने लगता है। कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की तुरंत जान चली जाती है। सीएम केजरीवाल के 1200 BiPAP मशीन खरीदने से दिल्ली को केंद्र सरकार से मिले नए ICU बेड्स को तत्काल प्रभाव से ऑपरेशनलाइज्ड किया जा सकेगा। इसका फायदा ये है कि बाई लेवल, मतलब ये दो तरह के प्रेशर्स पुश करती है लंग में, जहाँ डिजीज लंग है वो एक्सपेंड नहीं हो पा रहा, तो पॉजिटिव प्रेशर इंस्पिरेशन में करती है और एक्सपिरेशन में उस प्रेशर को कम कर देती है, इसीलिए इसको बाई लेवल पॉजिटिव प्रेशर मशीन कहते हैं। अस्पतालों के ICU में नजर आ रही BiPAP मशीन से कोरोना के लाखों मरीज अब तक ठीक हुए हैं। दिल्ली में बेकाबू हुए कोरोना से नवंबर में हर घंटे 5 लोगों की मौत हो रही है। लोगों की जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार को BiPAP मशीनों के साथ ICU बेड की जरूरत है। 1200 BiPAP मशीनें मिलने के बाद कोरोना संक्रमित जिन मरीजों के फेफड़े ठीक तरह से ऑक्सीजन खींचने में कामयाब नहीं होंगे, ICU बेड के साथ नजर आ रही BiPAP मशीनें ऑक्सीजन की कमी को दूर कर लोगों की जान बचाएगी। तो दुनिया के कई देशों में कोरोना ने फिर से हाहाकार मचा दिया है। दुनिया भर की कंपनियां वैक्सीन बनाने की होड़ में लगी हुई हैं, लेकिन इस होड़ को लेकर WHO बहुत चिंतित है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। करीब 14 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ के करीब पहुंच रहा है। वैक्सीन की जरूरत पूरी दुनिया को है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वैक्सीन बनाने की होड़ में लगी हैं। वैक्सीन को लेकर मची होड़ के पीछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने मौत वाली दस्तक दे दी है। ये विषय चिंता का इसलिए भी है क्योंकि नवंबर में संक्रमण ने जो तेजी पकड़ी है उससे पूरी दुनिया खौफजदा है। मजबूत मुल्कों में वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने दावा किया है कि वो इसी साल वैक्सीन तैयार कर लेंगे। अमेरिका ने दावा किया है कि वो 11 दिसंबर तक वैक्सीन तैयार कर लेगा।
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।